नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू करने की कोशिश चल ही रही थी कि सिंगापुर में डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सिंगापुर शहर में डेंगू के अब तक 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 2013 में डेंगू के 22,170 मामले रिपोर्ट किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि डेंगू के मामले पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा आ सकते हैं। पिछले सप्ताह यहाँ कोरोना वायरस के 1,468 मामले सामने आए थे। पिछले 3 सप्ताह में यहाँ 1,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सिंगापुर के पिछले सप्ताह सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से अब तक यहां 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यहां अब तक 44,743 मामले सामने आ चुके हैं। यह माना जा रहा है कि मच्छरों के प्रजनन काल में डेंगू के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मच्छरों का प्रजनन काल जून से शुरू होकर अक्टूबर माह तक चलता है। कोरोना वायरस की तरह डेंगू के लक्षण सिर्फ 25% लोगों में प्रकट होते हैं। एसिड मच्छर काटने की वजह से डेंगू होता है। मच्छर के काटने के 5 से 10 दिनों तक मरीज को बुखार रहता है, जबकि इसके लक्षण 1 सप्ताह तक देखे जाते हैं। दिक्कत की बात यह है कि डेंगू और कोरोना वायरस के संक्रमितों के लक्षण बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। डेंगू और कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में तेज बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है। दोनों ही बीमारियों में उल्टी, सिर में खास तौर पर आंख के पीछे बहुत दर्द होता है। बहुत कम मामलों में गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर खून की उल्टी आना, तेज गति सांस, पेट में भयंकर दर्द उठना और सुस्ती आदि। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।